गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल। टुडे वी स्टार्ट इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर 2 द थैप स्टोरी एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू कोविड-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम थैप स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक छोटे से बॉय के बारे में जाना था जो एक चोर था और उस पर किसने विश्वास कर लिया था, तो अनिल ने विश्वास कर लिया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम अनिल जो चोर था उसकी उम्र कितनी थी, तो 15 साल, और अनिल की उम्र कितनी थी, तो 25 साल। ठीक है, और ये दोनों जो है कहाँ मिले थे, तो रेसलिंग हो रही थी उस जगह पे वो मिले थे और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और उसके बाद अनिल जो है उसको अपने घर ले जाता है और वहाँ पे उसको काम देता है। ठीक है, और पहले दिन उसको बोलता है कि तुमको खाना बनाने के लिए बोलता है। ठीक है, वो चोर को खाना बनाने के लिए बोलता है, मगर चोर को जो है खाना बनाना नहीं आता, और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें सिखा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चोर होता है वो अपना गलत नाम बताता है, और अपना नाम क्या बताता है, तो हरि सिंह बताता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक महीने तक वो चोर जो है अनिल के साथ रहता है, और उसे अनिल जो है उसको खाना वाना सब खिलाता है, ये सब चीज़ें, और जो सब्जी लाने के लिए उसको पैसा देता है उसमें से कुछ पैसे जो है कौन रख लेता है, तो वो चोर रख लेता है। फिर भी वो अनिल जो है उसका बुरा नहीं मानता है। ठीक है, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन। तो यहाँ पे चोर ऐसा बोल रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अनिल के लिए कुछ काम कर रहा था, और सुबह मैंने उसके लिए चाय भी बनाई थी, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। तो उसके बाद जो है चोर जो है कहाँ जाता है, तो सब्जी लेने के लिए जाता है, और उसमें से वो रोज़ 1 रुपया निकाल लेता था। ठीक है, और ये सब चीज़ें अनिल को पता थी, फिर भी अनिल कुछ भी नहीं बोलता था। ठीक है, और अनिल मेड मनी बाय फीट एंड स्टार्ट ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। तो देखो अनिल क्या करता था, तो अनिल जो है वो मनी बनाता था किस तरह से, तो वो पैसे का लेन देन करता था, जैसे एक जगह से पैसा लेकर जो है दूसरी जगह पे देता था, और उससे वो ब्याज कमा के जो है पैसा कमाता रहा। ठीक है, और ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट हैज सून हैज इट्स अराइव ही वुड गो एंड सेलिब्रेट। और वो अपने एक चेक के बारे में जो है बहुत ही ज़्यादा चिंता में था, और जैसे उसके पास चेक आ जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाता है और वो सेलिब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, और इट सीम ही रोड फॉर मैगजीन ए क्वेयर वे टू मेकिंग ए लाइव लिविंग, एंड वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू बी पब्लिशर। और इसके अलावा अनिल को जो है बुक लिखना पसंद थी। ठीक है, और इसीलिए वो अब मैगजीन में एक चीज़ छपवाता है, यानी एक जो है वो छोटी सी चीज़ छपवाता है, और उसके बाद वो एक शाम को जो है वो वापस घर लौटता है, और उसके हाथ में नोटों का बंडल होता है जो उसने बुक बेच के कमाई होती है। ठीक है, एंड आई सो हिम द टक मनी अंडर द मैट्रेस। और उसके बाद वो चोर जो है वो ऐसा देखता है कि वो अनिल जो है वो पैसा कहाँ छुपाता है, तो मैट्रेस के नीचे। एंड आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। और यहाँ पे जो चोर होता है वो लगभग एक महीने तक काम करता है, और उसके बाद छोटी छोटी चीटिंग करने के बाद जो है, एंड आई हैड इवन अपॉर्चुनिटी फॉर डू सो। ठीक है, तो उसको बहुत सारे ऐसे मौके मिले थे जहाँ पर वो वापस चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। और इसके अलावा अनिल ने जो है उसको चाबी भी दे के रखी थी उसके घर की, एंड आई कुड कम एंड गो हैज आई प्लेस, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई एवर हैड। ठीक है, तो यहाँ पे वो जैसे ही वो काम करने जाता है, यानी चोरी करने जाता है, तो उससे पहले उसको एक बार अनिल का ख्याल आता है कि अनिल जो है ऐसा इंसान है जो सबसे ज़्यादा उस पर विश्वास करता है। ठीक है, और एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी की वजह से जो है चोर को भी ऐसा लगता है कि उससे चोरी करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे वो चोर ऐसा भी सोचने लग जाता है कि एक लालची इंसान का पैसा लूटना आसान है, मगर एक विश्वास और अच्छा इंसान का पैसा चोरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू द रॉब, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, एंड समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैव बीन रॉब। और तो देखो ये इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अनिल जो है एक केयरलेसनेस वाला इंसान है, यानी वो जो ध्यान नहीं देता ज़्यादातर चीज़ों पे। ठीक है, और किसी पे भी आसानी से विश्वास कर लेता है, तो ऐसा एक इंसान था, तो उसको उसके पैसे लूटना जो है थोड़ा मुश्किल है चोर के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
चोर की जो है फीलिंग अब थोड़ी थोड़ी बदलने लगी थी क्योंकि अनिल ने उसके ऊपर इतना विश्वास किया था. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क एंड आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चोर अपने आप से बातें करने लग जाता है. वो ऐसे सोचता है कि अब मुझे अपना असली काम करना चाहिए, हालांकि मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है बहुत दिनों से छोड़ दी है. अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो ये अनिल जो है ये पैसा अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा और आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. ठीक है, और इसके अलावा उसने मुझे कुछ भी पे नहीं किया है. अनिल वॉज एस्लीप ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. तो देखो अनिल जो है उस समय पे सो रहा होता है और चांद की रोशनी जो है वो बिस्तर पे पड़ रही होती है. आई सेट अप ऑन द फ्लोर एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन. और वो वहाँ पे क्या करता है, तो वो चोर जो होता है वो धीरे से फ्लोर पे जो है बैठ बैठ के जो है उसके पास पहुँचता है. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. ठीक है, तो यहाँ पे चोर जो है ऐसा सोचता है कि अगर मेरे हाथ में वो पैसा लग जाता है तो मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस है उसे पकड़ लूँगा जो लखनऊ जा रही है. ठीक है, और स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट आई क्रीप्ड अप टू द बेड. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस दो माइन आर मोस्टली स्केयर. ठीक है, तो यहाँ पे अनिल जो है वो एकदम सो रहा होता है शांति से और उसके फेस में कोई भी ऐसे मतलब हम एक्सप्रेशन नहीं देख पाते. जैसे कोई इंसान सोता है तो वो कोई एक्सप्रेशन तो करेगा नहीं. ठीक है, तो उसी समय पे जो है, मगर यहाँ पे चोर के चेहरे पे जो है बहुत ही ज़्यादा डर था. ठीक है, और माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस. और इसके बाद वो चोर जो होता है धीरे से मैट्रेस के अंदर हाथ डालता है और सर्च और नोट को सर्च करता है. ठीक है, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड. और इसके बाद जैसे ही उसके हाथ में वो नोट लगती है वो धीरे से उस नोट को निकाल लेता है. और अनिल साई इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अनिल जो है अचानक से हिलता है और साइड में टर्न होकर वापस सो जाता है. ठीक है, आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और उसके बाद जो है चोर धीरे से करके जो है रेंगते रेंगते जो है रूम से बाहर निकल जाता है. ठीक है, और व्हेन आई वॉज रोड ऑन द रोड. और उसके बाद वो चोर जो है रोड पे पहुंच जाता है और वहाँ से भागना चालू कर देता है. आई हैड द नोट एट माई वेस्ट. और उसने वो पैसे कहाँ रखे होते, तो अपने कमर पे बांध के रखे होते एंड हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ द पजामा. ठीक है, और उसको किस तरह से बांधा होता, तो पजामा के नाड़े से उसने बांधा होता है. एंड आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट. ठीक है, थोड़ी देर मतलब दौड़ने के बाद जो एक जगह पे रुक जाता है और उसके बाद नोट को गिनने लग जाता है. ठीक है, और वो कितने होते हैं, तो 600 rupees in 50s. ठीक है, यानी वो होते हैं 600 rupees. और नोट किसकी होती है, तो 50 की बंडल की होती है. ठीक है, यानी 50 के बंडल की वो 600 rupees की नोट, 600 rupees होते हैं. ठीक है, पूरे आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू. ठीक है, और यहाँ पे वो चोर ऐसा सोचने लगता है कि अब मेरे पास इतने पैसे आ गए तो मैं अब एक अरबी लोगों की तरह जी सकता हूँ जिनके पास ऑयल का खदान होता है और वो कितना अमीर लाइफ जीते उस तरह से मैं जी सकता हूँ 2 हफ्तों के लिए. ठीक है, ऐसा वो सोचता है. ठीक है, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. तो देखो जैसे ही वो स्टेशन पहुँचता है तो वो टिकट ऑफिस में नहीं रुकता है. ठीक है, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट एंड द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेज बट आई हेजिस्टेट फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो अचानक से जो है उसको स्टेशन में जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं लेता और भागने लगता और उसे लखनऊ एक्सप्रेस दिखता है जो अभी चलने ही वाली थी. ठीक है, और मतलब चल ही रही थी यानी, और उसका स्पीड भी थोड़ा कम था और वो इतना एबल तो था कि वो उस पर जंप लगा के जो है कोई भी कैरेज पर पहुँच सके, यानी कोई भी कंपार्टमेंट पर वो पहुँच सके. मगर फिर पता नहीं क्या होता है, वो चोर वहाँ ही रुक जाता है अचानक से. ठीक है, और यहाँ पर वो ट्रेन पकड़ने का जो चांस था वो खो देता है. ठीक है, यानी यहाँ पे अचानक क्या होता है कि उसको ट्रेन जाते हुए दिखती है और वो उसको आसानी से पकड़ भी सकता था, मगर बाहर ऐसा क्या आता है उसके मन में कि वो वहाँ पे ही रुक जाता है और वहाँ पे उसका लास्ट चांस छूट जाता है वहाँ से भागने का. ठीक है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म. ठीक है, जैसे ही वो ट्रेन चली गई उसके बाद जो है वो प्लेटफॉर्म में कोई भी नहीं था, खाली चोर था. ठीक है, एंड आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. और उसके बाद
क्या बोलते हैं, चोर को ये नहीं पता था कि वो रात कहाँ गुजार रहे हैं, ठीक है। एंड आई हैड नो फ्रेंड, बिलीव इट, दैट फ्रेंड वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट होम वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे वो सोचता है कि मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं जिसके घर में रह सकूँ और उस पर विश्वास कर सकूँ, ठीक है, और ना ही मैं कोई स्टेशन में छोटे होटल पे रुक सकता हूँ, ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू, और यहाँ पे वो चोर बोलता है कि मैं खाली एक ही इंसान को जानता हूँ जिसको मैंने लूटा है, ठीक है। और लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, ठीक है, और उसके बाद वो स्टेशन से निकल जाता है और फिर वापस बाजार की तरफ चला जाता है। इन माई शॉर्ट करियर हैज अ थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो चोर ऐसा बोलता है कि मेरे करियर के अंदर, यानी जब से मैंने चोरी करना स्टार्ट किया तब से मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखा है, ठीक है। और व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, द ग्रीडी मैन सोड फियर, द रिच मैन सोड एंगर, द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड सो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो चोर जो है ऐसा सोचने लग जाता है कि जब भी किसी इंसान का कोई चीज हो जाता है या चोरी हो जाता है ना, तो उसका कैसा मतलब एक्सप्रेशन रहता है। जैसे लालची मैन जो होता है वो लालची होता है वो डरता है उस चीज़ से, ठीक है, यानी पैसे खोने से डरता है। और जो अमीर इंसान होता है वो गुस्सा होता है चोर पे, ठीक है, और जो गरीब इंसान होता है वो खाली मान लेता है कि हाँ चोरी हो गई, अब क्या कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे उसको पता था कि अनिल के फेस में कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, कि अनिल जो है वो ना ही डरेगा, ना ही गुस्सा करेगा, ना ही एक्सेप्ट करेगा, वो तो खाली दुखी होगा, ठीक है, क्योंकि उसने जिस पे विश्वास किया उसने उसको उससे उसके पैसे लूट लिए, ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अनिल जो है इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे खो गए, ठीक है, यानी चोरी हो गए, वो इसलिए दुखी होगा क्योंकि उसने जिस पे विश्वास किया उसने उसका विश्वास तोड़ दिया, ठीक है। एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और उसके बाद जो है वो चलते चलते यानी ऐसा सोचते सोचते जो है मैदान तक पहुँच जाता है और वहाँ पे एक बेंच है उसको दिखती है और वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है, ठीक है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड इट्स एंड ए लिटल डिजिल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, सुन इट इज रेनिंग क्वाइट हैविली, माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। तो देखो रात का टाइम था और सब जगह पे जो है शांति थी और यहाँ पे थोड़ी बहुत बरसात भी हो रही थी, सॉरी बहुत तेज बरसात भी हो ही रही थी, और इसी के वजह से क्या बोलते हैं जो चोर का शर्ट और पजामा होता है वो पूरी तरह से गीला हो जाता है और उसके स्किन से चिपक जाता है, ठीक है। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ठीक है, और इसके अलावा हवा भी बहुत तेज चल रही होती है बारिश के साथ और वही चीज़ जो है चोर के फेस पे पड़ती है, ठीक है। And I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower, ठीक है, और उसके बाद वो बाजार पहुँचता है और वहाँ पे clock tower के नीचे वो बैठ जाता है। The clock showed midnight, और यहाँ पे clock में कितने बजे होते हैं तो 12 बजे होते हैं, midnight यानी रात के 12 बजे, ठीक है। I felt for the knot, they were dumb from the rain, ठीक है, और उसके बाद उसे याद आता है कि मेरे पास नॉट है, वो भीग तो नहीं गए, वो देखता है, ठीक है। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, ठीक है। यहाँ पे फिर वो चोर सोचने लग जाता है कि अनिल अपने पैसे से जो है मुझे लगता है सुबह है ना वो 3 rupees देता सिनेमा जाने के लिए, मगर अभी तो मेरे पास ये पूरे पैसे मेरे पास ही है, ठीक है। आई कूडन कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ठीक है। और यहाँ पे वो और भी चीज़ें सोचने लग जाता है कि मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया है, इसके अलावा वो बाजार में जो है भागने लग जाता है, ठीक है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट एंड होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे जो है वो चोर जो है अब अनिल के बारे में सोचने लग गया था कि अनिल ने जो है मुझे लिखना पढ़ना ये सब चीज़ें सिखाया और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और मैं उसके साथ ये सब चीज़ें कर रहा हूँ और कुछ पैसों के लिए, और इसीलिए जो है वो वापस ये सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है और उसे ये दुख होता है और उसके बाद जो है वो अनिल के पास चला जाता है, ठीक है, वापस। और आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, आई हरिड बैक टू द रूम एंड फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट, इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चोर ऐसा सोचने लग जाता है कि अगर चोरी करना इतना आसान है तो उसको वापस पैसा रखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पैसे रखते रखते जो है
अनिल शायद उसको पकड़ भी सकता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली और उसके बाद वो घर पहुंच जाता है और उसके बाद जो है वो दरवाज़ा धीरे से खोलता है, ठीक है। और उस समय पे भी जो है अनिल सोया हुआ होता है। और आई क्रीप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट एंड आई फेल्ड हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड एंड आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, ठीक है। और वो क्या करता है तो नोट को वापस रखने की कोशिश करता है और अचानक से जो है अनिल जो है वो थोड़ा मुड़ जाता है और सांस लेने लगता है और वही ब्रीदिंग जो है उसके हाथ पे पड़ती है और इसीलिए जो है चोर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ठीक है। और देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप अंडर इट्स विद द नोट्स। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ठीक है। और इतना करने के बाद यानी पैसे वापस रखने के बाद जो है चोर जो है वापस जाके जो है सो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अनिल जैसे वो चोर सुबह उठता है तो देखता है कि अनिल जो है उसके लिए पहले से चाय बना के रख चुका है और स्ट्रेच इज आउट हिज हैंड टू वर्ड्स मी एंड देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, ठीक है। और उसके बाद जो है अनिल अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ में क्या होता है तो 50 रुपीज़ की एक नोट होती है जो उसको उसके उंगलियों में दबी हुई होती है, ठीक है। और माई हार्ट सैंग एंड आई थॉट आई हैव बीन डिस्कवर्ड, आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है तो पहला नोट उसको मिलता है तो उसके बाद जो है वो खुश हो जाता है और उसके बाद अनिल ऐसा बोलता है कि ये नोट तुम्हें अब रोज मिलेगा, ठीक है। और माई स्पिरिट रोज बट वैन आई टूक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, टूडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस इज सैड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था तो यहाँ पे जो है अनिल जब सुबह उठता है तो वो नोट के बंडल को देखता है तो वो थोड़ा गीला होता है और इसके बाद अनिल बोलता है कि चलो कि मैं तुम्हें आज लिखना सिखाता हूँ सेंटेंस, ठीक है। और ही न्यू बट नाइदर हिज लिप नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इट्सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है वो चोर जो होता है वो उसके साथ ही पढ़ने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के जो है स्माइल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी किसकी थी तो रस्किन बॉन्ड की थी। और यहाँ पे हम मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या है तो अनिल को ये पता था कि जो चोर है वो चोरी करके नोट लेके चला गया था और फिर वो वापस आया तो ये सब चीज़ें उसको पता थी पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोसरी में हम देखते हैं कुछ मीनिंग्स के बारे में, जैसे फ्लैटरी का मीन्स होता है इनसिनियर प्रेस, ठीक है। और मोटेलिस्टिक का मतलब होता है विदाउट बूस्टिंग इन ए हम्बल वे और ग्रंटिंग का मतलब होता है साउंड करना, एपिलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव और अनलाइन का मतलब होता है चिंता या कोई भी तरह का एक्साइटमेंट। मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है तो देखो यानी ज़्यादा उतावला नहीं होना, ये चीज़ें है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।